नमस्कार फ्रेंड्स, युविका मशरूम पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे नए ग्रोवर फ्रेंड्स हैं उनको जो मोल्ड रिलेटेड समस्याएं आती हैं वो क्यों आती हैं और उनका जो है क्या इलाज है। फ्रेंड्स, मेनली तीन तरह के ही मोल्ड जो है मशरूम में देखने को मिलते हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं, जनरली जो देखने को मिलते हैं वो तीन ही तरह के होते हैं, ग्रीन मोल्ड, येलो मोल्ड और वाइट मोल्ड। फ्रेंड्स, आज हम इन तीनों के उपचार के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इन तीनों का एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो हमारी फ्रूटिंग है उस पर जो है रोक लगा देते हैं या फिर उसको उतना फ्रूटिंग नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक फंगिसाइड है, इसका नाम स्प्लैश है और ये इसके अंदर जो साल्ट है उसकी वो है क्लोरोथेलोनिल और एक दो साल्ट और भी हैं इसका। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट है मशरूम के अंदर, क्योंकि आजकल देखने में क्या आ रहा है कि बावस्टीन के अंदर डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केट में ये आपको 1200 से 1400 रुपये पर केजी तक मिल जाएगी, जो लगभग बावस्टीन के समानांतर ही है और इसका रिजल्ट जो है बावस्टीन से काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर रिजल्ट है इसका। पहले ये कवच के नाम से भी किसी किसी जगह पे मिलती थी, अब कंपनी ने जो है इसका नाम चेंज कर दिया है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, जो हम अभी बात कर रहे थे मोल्ड्स की, फ्रेंड्स ज़्यादातर मोल्ड जो है हमारे ज़्यादातर मोल्ड्स फ्रेंड्स हमारे कंपोस्ट का ढंग से हाइजीन ना होना और उसका ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होना इस वजह से होता है, या फिर कई बार आपके साइड के अंदर फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का ज़्यादा हो तो भी येलो मोल्ड और ग्रीन मोल्ड आने का जो है प्रोबेबिलिटीज रहती हैं। फ्रेंड्स, उन समस्याओं से निपटने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके अफेक्टेड एरियाज हैं आपको उन एरियाज में से मोल्ड को हटा करके वहाँ पर ये स्प्लैश का स्प्रे कर देना है और ये स्प्रे रिपीटेडली करना है हर दूसरे दिन। तो आप देखोगे कि 3 से 4 दिन में आप अपनी जो मोल्ड की समस्या है उस पर काबू पालोगे। फ्रेंड्स, ये जो मोल्ड है इनका समय पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। फ्रेंड्स, आशा है आप वीडियो में दी गई जानकारी समझ पाए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।